नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी एक और रिसेंट आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है केपीआर एग्रो केम लिमिटेड। तो उसको अच्छी तरह से रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हो। और ये वीडियो सीरीज बनाने का रीज़न यही है कि हम बिजनेस सेंस की तरह किस तरह से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। बाकी आप गूगल में या तो यूट्यूब पे सर्च करोगे तो काफ़ी सारे से वीडियो मिल जाएगा, पर मैं मेरे वीडियो में ट्राई करता हूँ कि मैं बिजनेस सेंस से बात करूँ। दूसरा, कि अगर आप सीरियस हो स्टॉक के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो मैंने एक और सीरीज स्टार्ट की, उसको फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है स्टॉक रडार। और स्टॉक रडार के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट किया है, वो भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और मैं प्रीफर करता हूँ कि बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करें, स्टॉक के साथ ज़्यादा ऑब्सेस ना रहे। और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो कि आपको स्टॉक में से वेल्थ बनानी है स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर प्रोग्राम या तो वन स्टॉप करोड़पति प्रोग्राम लॉन्च किया है, कि जिसमें क्वालिटेटिव स्टॉक्स की अपडेट्स आएगी, रिसर्च आएगा उसका, जिसकी सालाना फीस सिर्फ 3,540 रुपये, ताकि कोई भी बंदा ज्वाइन कर सके। इसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। चलिए बात करते हैं केपीआर की। तो इसका जो आईपीओ है वो स्टार्ट होगा 28 जून से 2 जुलाई तक। फेस वैल्यू है उसकी 10 पर शेयर, प्राइस बैंड रखा है उन लोगों ने 59 to 61। प्राइस भी मैं बात कर दूँ, अगर रिटेल इन्वेस्टरों को 3 रुपये का और डिस्काउंट दिया जाएगा तो वो और भी अच्छी बात है। लॉट साइज 200 शेयर्स का है इसका, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें लोअर बैंड की साइड 11,800 का होगा और हायर बैंड की साइड 12,200 का होगा। दोनों पे लिस्ट होने वाली है ये, NSE और BSE। करीबन 277 करोड़ के आसपास उनका प्लान आउट है रेज करने का। अब इसका आईपीओ का हमेशा ऑब्जेक्टिव हमको पता होना चाहिए, राइट? एक तो है कि उनको रीपेमेंट करना है काफ़ी सारे जो बोरिंग लिया है वो, दूसरा है कि उनको रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, और तीसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पज। अब जनरल मतलब क्या, कि भाई डे टू डे ऑपरेशन हो या कुछ भी हो जनरल चीज़ के लिए। अब उसमें से दो चीज़ के लिए बहुत ही बड़ा एक रेड फ्लैग है। एक तो है कि रीपेमेंट ऑफ बोरिंग उनके लिए वो रेज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा पैसा कहाँ पर यूज़ होगा, एक तो डेट रिड्यूस करने में। दूसरा, इनका जो बिजनेस है एग्रो केमिकल साइड, वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वर्किंग कैपिटल की, तो उनको वो चाहिए। वैसे पर्सनली देखा जाए तो मुझे ये दोनों चीज़ पसंद नहीं है। हाँ, डेट रिड्यूस करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट फिर आईपीओ में से कितना ये लोग यूज़ कर रहे हैं डेट फुलफिल करने में, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट इनका ये ऑब्जेक्टिव है जो मैंने डिस्कस कर लिया। उनका जो बिजनेस है वो फोकस करता है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेलिंग। कौन सी चीज़ का, कि जो एग्रीकल्चर में जो पाक होते हैं ना, क्रॉप्स बोलते हैं ना, वो अच्छी तरह से कैसे पके, हेल्दी फसल कैसे आए, क्रॉप को कैसे एनहेंस किया जाए, फसलों को कैसे एनहेंस किया जाए, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए तो इसका नाम है एग्रो केम। और काफ़ी एक दो जगह पे और उन्होंने केमिकल्स वगैरह में डाइवर्सिफाई किया है, पर वो तो आप उनकी वेबसाइट से भी जान सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ये सब प्रोडक्ट्स फार्मर्स तक पहुँचती है, और करीबन 800 डीलर्स हैं उनके। तो उसमें सीड्स भी आ गए, वेटरनरी फीड सप्लीमेंट्स भी आ गए, न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स भी आ गए, ये सब चीज़ों का मेन उनका बिजनेस है। अब 3-4 साल का हमारे पास रेवेन्यू है और प्रॉफिट है, देख लेते हैं किस तरह से। 2050 में 600 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट 28.2 करोड़, फिर 581 करोड़ का रेवेन्यू था, 24.3 का प्रॉफिट, 590 करोड़ का रेवेन्यू था, 22.7 का प्रॉफिट, 600 का रेवेन्यू था, 29.7 का प्रॉफिट, 483 करोड़ का रेवेन्यू था, 27.6। अगर देखने जाओ तो 3-4 या 5% से रेवेन्यू इनका बढ़ नहीं रहा है और ये ग्रोथ की तरफ नहीं ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने अभी इंडिया मार्ट के आईपीओ में देखा ना, उसी तरह से यहाँ पे फ्लैट एक रेवेन्यू है, और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है। देखो वो मज़ा आएगा आपको जानने में। कभी कोई भी आईपीओ ना, उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हो। गूगल में टाइप करोगे ना वो आईपीओ, जैसे कि केपीआर एग्रोकेम लिमिटेड आईपीओ सेबी, इतना टाइम करोगे ना तो उनका एक आरएचपी डॉक्यूमेंट होता है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट, जिसमें कंपनी को सब कुछ डिस्क्लोज करनी पड़ती है सेबी को, हर एक रिस्क फैक्टर। तो उसमें से मैंने कुछ रिस्क फैक्टर यहाँ पे निकाले हैं, तो आप खुद भी जान सकते हो, पर ये करना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। रेवेन्यू में ग्रेथ नहीं दिख रहा है। दूसरा है कि उनका सबसे बड़ा रिस्क होता है, ये सब बिजनेसेस होते हैं, उनका रिस्क होता है गवर्नमेंट और रेगुलेशंस में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कमोडिटी सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में, सब्सिडी वाली चीज़ों में। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आया तो उनका बिजनेस पता नहीं कब अफेक्ट हो जाएगा। तो ये सब साइक्लिकल और सीजनल स्टॉक्स रहते हैं।
फिर कंपाउंडिंग इश्यू, काफी सारी जगह पर पेनल्टी का सामना करना पड़ रहा है। उस तो अपील किए उन लोगों ने, पर काफी सारी पेनल्टी आ गई है उनके बिजनेस में। उनको हमेशा हायर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रही है, तो ये क्रिस फैक्टर है। दूसरा है कि उनके कुछ प्रमोटर या तो डायरेक्टर के उनके खिलाफ कुछ लॉ सूट्स है जो दूसरी कंपनियों के थ्रू भी चल रहे हैं। दूसरा कि उनके जो सप्लायर, उनके पास कोई भी सप्लायर के पास उन्होंने कभी भी कोई मेजर या तो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा हुआ है। दूसरा, आईटी डिपार्टमेंट ने भी सर्वेस किए हुए हैं उनकी बिल्डिंग्स में जाके, उसमें से भी कुछ इश्यूज आए थे, उन्होंने फिर से रीअसेसमेंट करके इनकम टैक्स भरा हुआ था। फॉरेन करेंसी का रिस्क भी उनके बिजनेस में लागू पड़ता है, क्योंकि कुछ मटेरियल उनको इम्पोर्ट करने पड़ते हैं ये सब चीज़ें बनाने के लिए, तो वो भी लागू होता है। फिर से आ गया कि पेनल्टी है डायरेक्टर पे, और कई बार स्टेचुटरी ड्यूज भी लागू हुए कि जहाँ पे लायबिलिटी जैसे प्रोफेशनल टैक्स है, वैट है, सर्विस टैक्स है, उसको पे करने में डिले हुआ है, तो वो सब चीज़ों में स्टेचुटरी ड्यूज भी लागू हुए। उनका हमेशा फोकस अभी तक कर रहा है साउथ रीजन है, वो दूसरी जगह पे वो अभी एक्सपांड नहीं कर पाए। तो मैंने एक लिस्ट बना दिया ताकि आपको पता चले कि ऑल ओवर ये क्या बिजनेस है और कितने रिस्क है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो, एक तो अगर आप खुद ये बिजनेस, कई बार क्या होता है कि चीजों को बिजनेस की सेंस से एनालाइज करना पड़ता है। अब मैं आता हूँ बिजनेस पे, देखो ये बिजनेस कैसा है पता है? इसमें मैं 50-50% सोच रहा हूँ। ये बिजनेस ऐसा है कि अगर फाउंडर्स ने मेहनत की सही डायरेक्शन में, तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा जा सकता है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे मैं फाउंडर्स की मेहनत क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर ये एग्रोकेमिकल सेक्टर या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो नेचुरली सीजनल साइकिल्स में फ्लक्चुएशन आएगा, तो बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, यस और नो। गवर्नमेंट कुछ रूल्स वगैरह लॉ चेंज करेगी तो उनको जॉब देना ही पड़ेगा। ये सब बिजनेसेस में हम सोफिस्टिकेट या तो प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूशन या तो डीलर्स नहीं दे सकते, क्योंकि ग्राउंड वर्क पे इस तरह से काम नहीं होता एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत चैलेंजेस आती है। तो ऐसे चैलेंजिंग सेक्टर में बिजनेस करना वो भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कहने के लिए हमने बोल दिया कि भाई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बट आप एक बिजनेस करके देखो, बाद में पता चलता है। कुछ चीज़ें अगर ना हुई होती तो अच्छा होता है, जिस तरह से उनको कंपाउंडिंग इश्यूज फेस कर रहे हैं, कुछ उनके डायरेक्टर्स रियली लो सूट्स लीगल एक्शन फेस कर रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो उनको क्वेश्चंस आए थे, सर्वेज आए थे, तो वो मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी या तो ऑनेस्टी पे क्वेश्चन खड़ा कर देता है। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अगर अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है तो बात ठीक है, पर ऐसा काफ़ी सारी जगह पर उन्होंने खुद बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है, तो वो एक बात सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर ऐसा होता है कि भाई तो फिर मैनेजमेंट क्या कर रहा था। चलो गलती एक बार दो बार हो सकती है, तो मल्टीपल टाइम्स क्यों है? आप उसका पूरा एक आरएच भी पढ़ सकते हो। उन लोगों ने सामने से बताया कि काफ़ी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हुआ है। बाकी है तो देख लो, एग्रीकल्चर साइड ही अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो तो अगर मैं सर्च करूंगा तो 4-5 और कंपनियां मिल जाएंगी, उनको भी सेम ही चैलेंजेस होगी। पर ऐसे बिजनेस में डिफरेंस कौन सा आता है बताए? ये फाउंडर्स कौन? तो यहाँ पे मुझे वो भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम के क्यों इनके डायरेक्टर्स पेनल्टी फेस कर रहे हैं, क्यों उनके डायरेक्टर लॉ सूट फेस कर रहे हैं, क्यों आपके इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आया था, क्यों आपने स्टेचुटरी ड्यूज है, तो वहां पे मैं सोच रहा हूँ अरे भाई ये बिजनेस में मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे दूसरी चैलेंजेस तो है, मैंने जो आपको बताई गवर्नमेंट की तरफ से ले लो, फॉरेन करेंसी की वजह से ले लो, सीजनल ले लो, हर एक चीज बोल लो, बट तो फिर अभी मैनेजमेंट में भी ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं? तो मैंने इसलिए बोला ना यहाँ पे 50-50% जैसा है कि अगर जहाँ पे इकोनॉमिकली साइकिल सही चलती है, वेदर साइकिल सही चलती है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करता है और इनका मैनेजमेंट अच्छी तरह से काम कर देता है, तो काफ़ी बार ये सब स्टॉक्स बहुत भाग जाते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। बट मैंने इसलिए बोला ना कि रिस्क और रिवॉर्ड 50-50% जितना है इस आईपीओ में, तो ध्यान रखना अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो। मुझे जो बोलना था वो मैंने आप लोगों को बोल दिया। इनको एक्चुअली करना क्या चाहिए पता है? इनको ये करना चाहिए कि उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि बिजनेस ऐसा है, पर कोई भी तरीके से उसको रिड्यूस करनी चाहिए इस रिक्वायरमेंट को। ग्रोथ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और आजकल तो बायोटेक्नोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव पेस्टिसाइड्स लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, तो उस लाइन में भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? फार्मर्स है या तो जो स्मार्ट फार्मर्स है या तो कॉरपोरेट फार्मर्स है जो एग्रीकल्चर करवाते हैं,
वो लोग क्या प्रीफर करते हैं, ऑर्गेनिक फूड, ऑल्टरनेटिव पेस्टिसाइड्स, वो दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे, तो फिर आपको अच्छा ना लगे लगे आपका बिजनेस चला जाएगा। तो ये मेरा पूरा एक डिटेल एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए कर दिया KPR एग्रोकेम के लिए। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस इन दिस इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। और अगेन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन द वन स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम इफ यू विश। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।